हेलो व्हाट्सअप गाइस मैंने पुनोद बादू था आप एंड इन दिस वीडियो वी बी सी फॉरवर्ड रैप आवर रिएक्ट वर्जन 19 जी हाँ गाइज तो फाइनली आज रिएक्ट वर्जन 19 का एक ऑसम फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूं तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा एंड ये फीचर क्या बोलते हैं हमने कल के दिन पढ़ा था गाइस क्या हमने यूज़ रैप को समझा एंड अच्छे से देखा इसका क्या मतलब है आज हमें देखना है फॉरवर्ड रैप एंड आपने एक चीज़ जरूर देखा होगा हर एक यूट्यूबर से हर एक लोगों ने एक चीज़ जरूर कहा था कि इन वर्जन 19 वी डोंट यूज आई मीन वी डोंट रिक्वायड फॉरवर्ड ड्राइव एनी मोर राइट अब हमें फॉरवर्ड ड्राइव की नीड नहीं है सुनाओ गैस बात यह आ जाता है कि जब फॉर्वर्ड ड्राइव नहीं है तो उसके बदले अब हम कैसे डेटा गेट कर सकते तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ वॉट इज दिस फॉरवर्ड ड्राइव एंड अब ये नहीं है तो क्या हम इसके बदले यूज कर सकते टू गेट द सेम रिजल्ट बहुत क्लियरली आप देख सकते हो रिएक्ट फॉरवर्ड ड्राइव अलाउस पेरेंट कंपोनेंट एक सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ लाइक फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड आपको कोई डेटा को पास करना है ठीक है आप क्या करते हैं ऑब्वियसली आपके माइंड में एक चीज हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपको आई होगी दैट इज प्रॉप्स आप प्रॉप्स पास करते फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड जिसमें से बहुत बार हमें प्रॉप ड्रिलिंग का प्रॉब्लम आता है उसको टैकल करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हैं लेकिन मैंने ये दिखाया था जब आप फॉर्म्स के साथ काम करते हो वी हैव अ कंट्रोल्ड कंपोनेंट वी हैव अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट तो एक तरफ तो कंट्रोल कंपोनेंट है जहां पे आप ऑब्वियसली पूरा पावर रिएक्ट के हाथ में है वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है जो कि ऑसम awesome है वहीं जब हम बात करते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट की है ना तब वहाँ हम यूज़ करते यूज रैफ एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट की लाइक like, वो री re रेंडर नहीं करवाता कोई फालतू के हर एक चीज़ को अपडेट नहीं करता जितना आपको अपडेट करना है उतना वो अपडेट करके आपको दे देता है तो उसी तरीके से अब कल के वीडियो में यूजिंग यूज रैप मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो आज के केस में भी हम वही करने वाले हैं लेकिन आज के केस में थोड़ा सा अपडेट होगा ये कि ना हम हमारे एक पेरेंट कंपोनेंट होगा एंड दैट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड आपको डेटा पास करना है एंड डेटा आपको इस तरीके से पास करना है कि चाइल्ड में अगर वो डेटा हम यूज करते भी है तो वो किस आई I मीन mean, पूरे कंपोनेंट को वो री re रेंडर या कोई बाकी दूसरे का डेटा चेंज नहीं करेगा इट जस्ट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड आप डेटा पास कर रहे हो एंड चाइल्ड में जो एक पर्टिकुलर जगह पे जो डेटा चाहिए था अपडेट करने के लिए उतना हम अपडेट कर देंगे एंड काम खत्म बस उतना ही हमें करना है कोई स्टेट को अपडेट नहीं करना है या वापस से कंपोनेंट को रीरेंडर re हमें नहीं करवाना है तो उस जगह पे हमारा काम आता था फॉरवर्ड रैप इट मीन्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड जो रैप है आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए फ्रॉम पेरेंट जो भी रैप होगा आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए टू योर चाइल्ड तो डैट इज योर फॉरवर्ड एंड देन रैप इस तरीके से ठीक है तो अब देखो इसका सिंटेक्स आप समझ लीजिए अब बट समझ के कोई फायदा है नहीं क्योंकि अब रिएक्ट वर्जन 19 में अब ये यूज नहीं होता डेप्रिकेट हो चुका है लेकिन फिर भी समझना जरूरी है तो पहले हम क्या करते थे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड अगर डेटा पास करना हो तो ये जो कोड है ये हमें हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता था फॉरवर्ड रैफ ये हमें लिखना ही पड़ता था जिसके अंदर आप देख सकते हो ये क्या है इट टेक्स अ फंक्शन विद टू आर्गूमेंट्स डेट इज फर्स्ट तो आपका एक प्रॉप्स हो गया दूसरा आपका खुद एक रैफ हो गया ये देखो देख रहे हो ना तो पेरेंट के अंदर जो रैफ हम पास करते थे उसको गेट करने के लिए इन चाइल्ड वी नीड टू यूज दिस फॉरवर्ड रैफ इस तरीके से हमें मिलता था एंड ये इसका सिंटेक्स एंड इट रिटर्न योर जे एस एक्स तो ये है आपका फॉरवर्ड रैफ बट नाउ आफ्टर वर्जन नाइनटीन अब हमें इसकी नीड नहीं है तो अगर मुझे अब रैफ चाहिए तो मुझे फॉरवर्ड रैप की नीड नहीं है मैं डायरेक्टली ही चाइल्ड कंपोनेंट में एज अ प्रॉप्स बेसिकली प्रॉप्स डॉट रैप इस तरीके से यूज कर सकता हूँ यही एक अपडेट है जो लाइक मतलब लोगों को वायर सही है एटलीस्ट इससे तो छुटकारा मिला कुछ इस तरीके से कहने का बात था ठीक है तो यहाँ पे आइए ऑल राइट तो आई होप आपको पता चल गया फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करना है एंड बेसिकली आप समझ लीजिए कि आपको रैप पास करना है उसके लिए फॉरवर्ड रैप हम यूज़ करते थे बट अब वर्जन 19 में हम उसकी नीड नहीं है सिंपल ठीक है तो ये देख लीजिए ये हमारा कल का डेटा था इसी को मैं कॉपी करता हूं यहां पे मैं आता हूं इन आवर यूज रेफ हुक आई मीन यहां पे मैं चल के इस तरीके से फॉरवर्ड रेफ डॉट जे बना लेता हूं ठीक है तो क्या इसमें जल्दी से यहां पे डेटा लिख लेते so देख सकते हो मैंने सिंपल इतना लिख लिया है मैं यहां पे जल्दी से एक अपना एक रिटर्न स्टेटमेंट बना लेता हूँ फॉर्म परफेक्ट ठीक है तो ऑन वी हैव अ सबमिट ठीक है परफेक्ट एंड यहां पे हैंडल फॉर्म एंड देन वी हैव बस सबमिट ठीक है ये मेरा काम हो गया तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक कंपोनेंट बना रहा हूँ पेरेंट कंपोनेंट एंड वो डेटा जो है मुझे चाइल्ड को पास करना है तो देखो मैं क्या बनाता हूँ बिफोर रिएक्ट नाइनटीन ठीक है ये मतलब कितना ईजी हो गया ना आप लोगों को समझना ये uh, क्या लिखा है रिएक्ट नाइनटीन इनपुट कर देता हूँ चलो ठीक है आपको आइडिया पता चल गया कि बेसिकली कंपोनेंट का नाम है ये पेरेंट कंपोनेंट आप समझ लीजिए जिसमें मैं अब क्या कर रहा हूँ मैं प्रॉप्स पास कर रहा हूँ लेबल्स आ, तो ना उसके अंदर मैं एक प्रॉप पास कर रहा हूँ जिसका नाम है लेबल जिसमें होगा ये मेरा यूज़र नेम एंड मैं यहाँ पे एक रैप पास करूँगा अभी लेकिन ठीक है उसको थोड़ा सा टाइम है कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड पास कर देता हूँ ठीक है ये मेरा काम हो गया अब ये मेरा एक इनपुट फील्ड है ये मेरा एक और इनपुट फील्ड है ठीक है अभी मैं क्या करूँगा सबसे पहले इन दोनों इनपुट फील्ड को मुझे एक्सेस करना है कि यूज़र यहाँ पे क्या फिल करेगा ठीक है तो वो डेटा मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ अगर हम बात करते हैं अनकंट्रोल कंपोनेंट की बिना डेटा इस कंपोनेंट को रीरेंडर re करे तो उसके लिए हम यूज रेफ यूज हुक यूज़ करते राइट सो कॉन्स्ट यूज़र नेम विल बी यूज रेफ है ना इनिशियल वैल्यू चलो नल दे देते हैं कॉन्स्ट वी हैव नॉट पेमेंट वी हैव अ पासवर्ड वी हैव अ यूज रैफ हुक इसको भी मैं नल कर देता हूँ ठीक है अब ये यूज रैफ हुक एज इट इज़ तो नहीं रिएक्ट से गेट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे कॉन्स्ट कर देता हूँ ठीक है अब मैं यहाँ पे रेफ लिखता हूँ एंड मैं वो जो डेटा है मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ डैट इज़ दिस इज़ आवर यूज़र नेम एंड इसको मैं रेफ लिख के मैं लिख देता हूँ दिस इज आवर पासवर्ड ठीक है इतना मेरा काम हो गया अभी मुझे इन तीनों पे ये रेड लाइन दिख रहा है इट मीन्स कि सबसे पहले मैं जल्दी से इसको जस्ट डिफाइन uh, कर देता हूँ फिलहाल अभी एज इट इज एंड फॉर्म जब भी कोई सबमिट करता है एक डिफॉल्ट बिहेवियर है वो सबमिट हो जाता है तो वी नीड टू प्रिवेंट दैट डिफॉल्ट बिहेवियर तो ये मैंने कोड लिख दी ठीक है परफेक्ट अब ये जो पर्टिकुलर कम्पोनेंट है मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा इस कंपोनेंट को आई नीड टू क्रिएट आई नीड टू क्रिएट ये वाला जो भी कंपोनेंट है ठीक है इसको मैंने कमेंट कर दी चलो ठीक है अब मैं यहाँ पर उसको क्रिएट करता हूँ कॉस्ट तो अब मुझे यहाँ पे कैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लिखने की नीड नहीं बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम पेज राइट दोनों सेम पेज पे ही तो है तो इसको बाई डिफॉल्टी मिल ही जाएगा अब <laughs> यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रॉप्स मैंने पास की एंड ये जो रेफ मैं पास कर रहा हूँ फ्रॉम पेरेंट टू माई चाइल्ड इसको मैं गेट करूँ तो करूँ कैसे प्रॉप्स को तो चलो बहुत इजिली प्राप्त कर लेता यूजिंग प्रॉप्स एंड प्रॉप्स डॉट लेबल हो जाता है लेकिन वी नीड टू गेट दिस रेफ ऑल्सो राइट तो यहां पे आपका काम आता था फॉरवर्ड रेफ ठीक है आप ज्यादा दिमाग मत लगा इतना सिंपल समझ लीजिए पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करना था विदाउट यूजिंग प्रॉप्स और बिना कंपोनेंट को रीरेंडर करे ठीक है अब इतना सोच लीजिए वो भी अनकंट्रोल तरीके से तब वहां पे फॉरवर्ड रेफ काम आता अब यहां पे देखिए कैसे लिखता हूं सो वी नीड टू गो विथ फॉरवर्ड रेफ ये देखो आपका एक कॉल बैक फंक्शन ठीक है विथ रिटर्न यूर जेएसएक्स एंड इस फंक्शन में आपके दो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे एक तो होगा आपका प्रॉप्स दूसरा होगा आपका रेफ इस तरीके से एंड यहाँ पे अब आपको सिंपल आपका रिटर्न जो आपको करना हो तो नॉर्मली uh, जैसे हम करते और और तो कुछ है नहीं डी वी हैव अ लेबल एस्टेम एल फोर यूज़र नेम एक काम कर देते हैं ना यहाँ पे भी हम बहुत ईजिली ठीक है मैं एक काम करता हूँ गाइस uh, ये मैं आगे जब हम देखेंगे यूज आई डी वी हैव वन मोर हुक ओवर हियर ठीक है वो मैं रख देता हूँ इसका बेस्ट पार्ट है कि कह सब हमें टेंशन लेने की नीड नहीं पड़ती है यहाँ पे मैं आईडी पास कर देता हूँ एंड है वी हैव प्रॉप्स डॉट लेबल ठीक है इस तरीके से दिस इज इट ये जो लेबल है तो यहाँ पे यूज़र नेम आ गया इस लेबल के नीचे वी नीड टू गो विद द इनपुट फील्ड टाइप इस टेक्स्ट अब इस जगह पे हमें वो रैप चाहिए था क्योंकि यूज़र जो भी यहाँ पे टाइप करेगा उसका डेटा मुझे चाहिए एंड वो कल के वीडियो में मैंने दिखाया था तो ये रेफ मुझे चाहिए तो यहाँ पे अपना प्रॉप स्टॉट रैप नहीं बाय डिफ़ॉल्ट रैफ मुझे मिलता है सो so मैं इस तरीके से रैफ लिख दूंगा एंड इट विल बी इक्वल टू योर रैफ इस तरीके से ठीक है तो ये तरीका था पहले जहाँ पे आप दे एक सेकेंड कुछ तो एर आ रहा है सो so गैस आप देख सकते हो कि मैंने ये जो ए सिलेंड का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था उसको मैंने गैस डिसेबल uh, कर दिया जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट हो गया अब अपने आप ही ठीक है तो ये तरीका था टू गेट द रैप्स फ्रॉम पेरेंट टू योर चाइल्ड प्रॉप्स तो नॉर्मली प्रॉप्स जो हो गया चलो कर ही लिया आपने है ना अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये जो पर्टिकुलर पार्ट है फॉरवर्ड draft, copy कॉपी कीजिए आपको ऐप पे आना है यहाँ पर कंट्रोल सेव हिट मारिए इस तरीके से या आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा है अब मतलब कितना ईजी इसको आप एकदम सिंपल तरीके से ही लीजिए वही आपके लिए बेस्ट रहेगा ऑल ठीक है ओ ओ गॉड बटन तो है ही नहीं <laughs> तो बटन तो चाहिए मुझे है कि नहीं गाइस तो यहाँ पे चलते हैं एक बटन रख देता हूँ एंड लेट्स डू वन थिंग जो कल की वीडियो में हमने देखा था एंड कल का वीडियो नहीं चेकआउट किया तो प्लीज़ कीजिए ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है इसको कॉपी कर लेता हूँ जो कि सिंपल है यूजर नेम अपना रेफ हो गया डॉट करेंट तो बाई डिफॉल्ट आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है उस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी होती है डैट इज़ योर करेंट एंड इनपुट फील्ड का डेटा अगर आपको चाहिए तो डॉट वैल्यू सिंपल है ना आ, कोई बड़ी बात तो थी नहीं इसमें बस मेन ये था कि फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड अब हम डेटा गेट कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ थापा पासवर्ड लिख देता हूँ विनोद एंड आई थिंक मैंने एक चीज नोटिस की ऑल राइट गाइसी यहाँ पे पासवर्ड भी यही हो रहा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं सबमिट करता हूँ बूम गाइस सी सो so, गैस आप क्लियरली देख सकते हो कि मुझे मेरा डेटा आ गया कल के वीडियो में मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट uh, क्रिएट की थी फॉर्म वहां से डेटा लेके आया आज की वीडियो में फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड हम ड्रैप पास करें एंड चाइल्ड में जो भी लिख रहे उसके थ्रू मैं डेटा गेट करके दिखा तो ये था आपका फॉरवर्ड ड्रैप एंड ये जो तरीका हम यूज़ करते थे ये करते थे बिफोर वर्जन नाइनटीन बट अब तो वर्जन नाइनटीन पर हम काम कर रहे हैं तो कैसे uh, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ दैट इज ऑफ टैक्स डॉट जेसन फाइल एंड जस्ट मेक्स यूर कि आपका जो रिएक्ट है वो वर्जन 19 होना चाहिए फिलहाल मेरे केस में वो किस में रिलीज कैंडिडेट्स स्टेज uh, में जो कि 99% आप समझ लो स्टेबल वर्जन ही है ये ठीक है तो 19 का होना जरूरी एल्स आपका ये फॉरवर्ड रैप काम नहीं करेगा आई I मीन mean, ये वाला तो आपका काम कर रहा होगा बट अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है आपका आप टक्ट तो, वर्जन uh, 19 ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ पर पे मैं पेस्ट करूँगा ध्यान से देखना इसको तो मैं अब अनकमेंट कर रहा हूँ आई मीन कमेंट आउट कर दे रहा हूँ अगर मैं वर्जन 19 पे काम कर रहा होता तो मुझे अब कितना इजी हो जाता देखो कैसे सबसे पहले आपको फॉरवर्ड रैफ लिखने की नीड नहीं है ठीक है फॉरवर्ड रैफ लिखने की नीड नहीं है इट मीन्स मुझे वो फंक्शन की नीड नहीं है तो मैंने यहाँ से एक पैरेंथेसिस हटाई एंड एट दी एंड बॉटम पे ये जो एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस दिख रहा है उसको मैं हटाऊंगा वो मैंने हटा दी ठीक है एंड ये रैफ लिखने की भी मुझे नीड नहीं है दिस इज़ इट खत्म बस यहाँ पे ये जो रैफ है मैं कर दूंगा प्रॉप्स डॉट रैप खत्म है ना कितना ज़्यादा सिंपल गाइस देखो मेरा काम हो गया नाउ एज अ नॉर्मल प्रॉप्स की तरह मैं रैप्स को भी यूज़ कर पा रहा हूँ है ना ब्यूटी मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ विनोद यहाँ पे लिख देता हूँ थापा एंड गाइस पासवर्ड आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है इसका सिंपल सोल्यूसन यही है पासवर्ड में जो आपका इनपुट फील्ड टाइप इक्वल टू पासवर्ड कर दीजिएगा बहुत ईजिल एंड मैं सबमिट करता हूँ एंड बूम गाइस सीधे देख लीजिए मुझे मेरा डेटा आ गया तो लाइक कितना इजी हो गया आप में से बहुतों ने शायद फॉरवर्ड रैप सुना भी नहीं था बट अब आफ्टर वर्जन 19 अब उसकी नीड भी नहीं है लाइक like, आप खुद देख सकते हो पहले पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करना हो बेसिकली रैप पास करना हो देन वी नीड टू यूज द फॉरवर्ड रैप जिसके अंदर दो आर्गूमेंट हम पास कर रहे थे जो कि एक जे को रिटर्न कर रहा था था बहुत कुछ बट अब आप देखोगे तो ये तो नॉर्मल है जो हम नॉर्मली करते आ रहे भाई ठीक है हमें मालूम है पेरेंट टू डेट चाइल्ड डेटा पास करना है तो वी नीड अ प्रॉप्स प्रॉप्स लिखा प्रॉप्स डॉट ये प्रॉप्स डॉट हो मेरा काम हो गया आपके माइंड में एक चीज़ जरूर आ सकता है कैन वी डू द री डिस्ट्रक्चरिंग एंड दैट इज डायरेक्टली मैं यहाँ पे लेबल एंड वी हैव अ रेफ लिख देता हूँ एंड ये जो प्रॉप्स है इसको मैं हटा देता हूँ लेट चेक इट आउट क्या ये सपोर्टेड है इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे विनोद यहाँ पे थापा एंड थ्री टू वन एंड बूम गई इसी डेटा आ गया मुझे सो so गहस आप देख सकते हो कि डेटा मुझे आ गया तो मतलब हम अब बहुत ईजिल लाइक like, इस तरीके से रैप को टैकल कर सकते हैं बेसिकली रैप का जो डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड पास कर सकते हैं सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिखना आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा टू बी वेरी फ्रैंक मैंने फॉरवर्ड रैप पे इतना काम नहीं किया आई I मीन mean, नहीं किया बस अब पता नहीं क्यों नहीं किया बट कभी लाइक like, मैंने अनकंट्रोल कंपोनेंट पे इतना काम ही नहीं किया ऑलवेज लाइक हम उसी तरीके से ही करते थे कंट्रोल कंपोनेंट बट ये आपको जानना जरूरी है एटलीस्ट एक चीज तो पता चला कि हाँ वर्जन 19 में एक नया अपडेट ये है अब आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे वर्जन 19 का आइडिया तो भी है क्योंकि फॉरवर्ड रैप अब चला गया उसके बदले अब हम इस तरीके से डेटा को पास बेसिकली गेट कर सकते हैं बेसिकली रैप का जो डेटा है उसको गेट कर सकते हैं ठीक है सो क्या so वीडियो कैसा लगा लगा लेटमी नो इन दी कमेंट सेक्शन बहुत मेहनत कर रहा हूँ प्लीज़ आपका एक लाइक शेयर एंड कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेट करता तो प्लीज कर है तो प्लीज़ कर दीजिएगा प्ले लिस्ट को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलेगा फोकीमानॉन वेबसाइट बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है नेक्स्ट आकेट इज सेवन लेक सब्सक्राइबर तो अभी तक नहीं किया तो प्लीज गाइज कर दीजिएगा बस एक बटन पर क्लिक करना आपका एक सब्सक्राइब करने से बहुत मोटिवेशन एंड ऐसी ऑसम वीडियोस मैं बनाता रहूँगा ये गारंटी मैं आपको देता हूँ तो गाइस मिलता हूँ कल की वीडियो में टिल दूंगा इस थैंक यू सो मच टेक केयर